सस्ता और बहुत ही स्टाइलिश है और बहुत ही लाइट वेट है। तो दोस्तों मैं इसे कम से कम एक हफ्ते से यूज़ कर रहा हूँ। इसकी साउंड क्वालिटी और वगैरह बहुत ही अच्छी है। तो दोस्तों चलिए हम इसे खोल के देखते हैं कि इसमें क्या क्या आता है। दोस्तों इसके साथ में आपको आएगा चार्जिंग यूएसबी केबल आता है, और आपको इसके साथ में मिलेगा ये ईयरबड्स मिलते हैं दो पैर, और ये देखिए ये बहुत ही खूबसूरत ब्लूटूथ ईयरफोन है। और दोस्तों इसके अंदर आता है एक ब्लूटूथ हेडफोन रैपिड यूज़ गाइड। तो दोस्तों चलिए हमें मैं आपको खोल के दिखाता हूँ ये दिखने में कैसा है। तो दोस्तों ये देखिए, ये दिखने में तो काफ़ी, इसकी बॉडी और स्टाइल के बारे में बात करूं तो ये काफ़ी लाइट वेट है और बहुत ही खूबसूरत है, दिखने में भी बहुत अच्छा दिखता है। ये मेड इन चाइना है, और ये देखें, और मैं आपको इसको खोल के दिखाता हूं कि ये अंदर से कैसे दिखता है। तो दोस्तों ये देखिए, ये पूरा एल्यूमिनियम का बना हुआ है, काफ़ी खूबसूरत लगता है दिखने में। और ये ईयरबड बहुत काफ़ी टाइट हैं, जो एक बार लगते हैं तो निकलते नहीं हैं। और काफ़ी इतना बड़ा है, काफ़ी अच्छा है। तो दोस्तों मैं इसकी क्वालिटी की बात करूं तो क्वालिटी काफ़ी अच्छी है, काफ़ी दिखने में अच्छा है। चलो दोस्तों मैं आपको इसको यूज़ के बारे में बता देता हूं। मैं इसे एक हफ्ते से यूज़ कर रहा हूं। इसको चार्ज करना पड़ता है, 1 से 1.5 घंटा चार्ज करना पड़ता है, और इसका टॉक टाइम आपको मिल जाएगा। आप अगर इसमें म्यूज़िक प्ले करते हो, सब कुछ करते हो, तो ये आराम से 4 से 6 घंटा चलता है। हाँ, और इसमें दूसरी बात मैं आपको बता दूँ, अगर आप इसको स्टैंड बाई मोड पे रखेंगे फुल चार्ज करके, तो ये आराम से 10 से 15 दिन चलता है। और दोस्तों चलो मैं आपको इसको चालू करके दिखाता हूँ। दोस्तों इसको 3 सेकंड दबाना पड़ता है तो ये चालू हो जाता है, और ऑटोमेटिक ये आपके फ़ोन के साथ में अटैच हो जाता है। हाँ तो दोस्तों ये ऐसे चालू हो जाता है। तो आपको एक सबसे ख़ास बात बता देता हूँ, ये जो ब्लूटूथ है
ये 4.1 के ऊपर के जितने भी वर्जन हैं एंड्रॉइड के, ये उनके साथ में ही अटैच होता है। अदर उसके नीचे का वर्जन होगा तो उसके साथ में अटैच नहीं होगा। तो दोस्तों ये तीन से चार पाँच सेकंड तक आप इसे प्रेस करके रखें तो ये ऑन हो जाता है, वैसे ब्लू कलर की लाइट ब्लिंक करते हैं। तो दोस्तों इसमें दो बटन दिए हुए हैं, ये जो है रिसीव करने के लिए और कट करने के लिए दिया गया हुआ है, और दोस्तों ये प्लस और माइनस यानी वॉल्यूम कम ज़्यादा करने के लिए। तो दोस्तों इसका और भी कई तरीके से यूज़ होता है, जैसे कि इसको आप दबा के रखें, इसको एक बार दबाएंगे अगर आप म्यूज़िक सुन रहे हो, एक बार दबाओगे तो आपका आगे का नेक्स्ट गाना बजेगा, और आप इसको दबा के रखते हैं तो आपका इससे वॉल्यूम बढ़ेगा। तो दोस्तों माइनस में भी ऐसे ही, अगर आप एक बार दबाएंगे प्रीवियस गाना चलेगा आपका, या फिर बैक हो जाएगा, और दबा के रखेंगे थोड़े देर तो आपका वॉल्यूम कम हो जाएगा। दोस्तों इसके अंदर और एक खास बात है, वो है इसके अंदर सेल्फ इंस्ट्रक्शन। जब आप इसको वॉल्यूम फुल करोगे तो ये आपको बताएगा कि आपका मैक्सिमम वॉल्यूम हो चुका है, जो कि हर अलग ब्लूटूथ में आप देखोगे कि आपका जब ये हो जाए, अगर आपका वॉल्यूम फुल हो जाए तो आपको एक बीप सुनाई देगी। मगर इसमें एक खास बात है कि यह आपको गाइड अंदर से आपको बोलेगा कि आपका वॉल्यूम फुल हो चुका है, और आप लो करोगे तो लो बोलेगा, और जब आपका डिवाइस लॉस हो जाएगा तो ये आपको वो भी बोलेगा कि आपका डिवाइस लॉस हो चुका है। तो दोस्तों मैं देखिए, और इसको कुछ देर दबा के रखेंगे तो ये स्विच ऑफ होता है, इसे रेड कलर की लाइट ब्लिंक करने से ये स्विच ऑफ होता है। दोस्तों इसके बारे में मैं आपको एक बात बता दूं, हर कोई बोलता है कि ये 5 मीटर लेगा ये चीज़। तो दोस्तों अगर आप इसको घर के अंदर यूज़ कर रहे हैं और दीवार वगैरह होता है तो ये आपको 5 से 6 मीटर तक की रेंज में आपको कनेक्शन मिलता है इसका। आप आराम से इससे गाना सुन सकते हैं 5 से 6 मीटर, और आप बाहर है जैसे ग्राउंड वगैरह में है तो ये आराम से 10 से 15 मीटर का रेंज देता है। जब भी आप 10 मीटर के आगे जाएंगे तो आपको एक ब्लिंक बीप होगा, हल्का सा आपको ऐसा लगेगा कि कनेक्शन टूट गया है, मगर कनेक्शन टूटता नहीं है, फिर से वो कनेक्ट हो जाता है हर 10 मीटर के बाद में। ये 15 मीटर तक के आपको आराम से रेंज देता है। तो दोस्तों ये काफ़ी अच्छा सस्ता है, आपको मार्केट में मिल जाएगा, ये सिर्फ 600 रुपीज़ का है। अभी तक के मैंने जितने भी ब्लूटूथ देखे हैं, ब्लूटूथ ईयरफोन वगैरह देखा है, काफ़ी महंगा आता है। इसकी क्वालिटी वाइज मैं आपको बात करूं तो इसकी क्वालिटी काफ़ी अच्छी है, और इन्होंने जो कलर दिए ये काफ़ी कलर्सों में अवेलेबल आता है। डीपी पावर का मैंने एक और प्रोडक्ट का रिव्यू किया था, जो डीपी पावर कैमरा के बारे में बताया था मैंने आपको, ये उसी का प्रोडक्ट है, उनका ही प्रोडक्ट है, और ये काफ़ी अच्छा है, स्टाइलिश है, लाइट वेट है। और तो दोस्तों मैं आशा करता हूँ कि आपको मेरा वीडियो ये पसंद आया होगा। तो दोस्तों मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, मैं यहाँ पर नए नए गैजेट और बहुत ही सस्ते गैजेट लाते रहूँगा और उनके रिव्यू करते रहूँगा। ठीक है दोस्तों, थैंक यू।